तैयार हो जाइए, हम जल्दी शुरू कर रहे हैं। तो हमें इस बार क्या बनाना है? ओ वाह, सलाद। अच्छा तो क्या सब तैयार है? अब हम पता लगाएंगे कि हमारा कौन सा हीरो इस डिश को सबसे अच्छा बनाता है। प्रोफेसर अपना काम शुरू करते हैं। वो क्या कर रहे हैं? किसी तरह की मिट्टी? क्या ये कोई जादू के बीज है प्रोफेसर? खैर अभी पता चल जाएगा। ओहो, प्रोफेसर ने कितने सारे बीज डाले हैं? अब वह पानी डाल रहे हैं। ओ बस, उफ, ऐसा लगता है किसी ने पानी के साथ अति कर दी है। आपको सावधान रहना चाहिए प्रोफेसर। हाँ बस बस, मैं अभी सब ठीक कर दे रहा हूँ। हाँ आप सब ठीक है। ओ, यह क्या हो रहा है? वाह बहुत बढ़िया, जरा इस परफेक्ट सलाद को देखो। बहुत बढ़िया, प्रोफेसर ने कुछ सलाद के पत्ते काटे। चलो प्लेट में सलाद को रखते हैं। और उसके बगल में ब्रेड का एक टुकड़ा, क्यों नहीं। ओह अच्छी पुरानी डिब्बाबंद फलियों का स्वाद। बस इतना ही। ओह हमें इस डायनासोर की क्या जरूरत है? ओह वाह प्रोफेसर, ये कितना खूबसूरत है। अच्छा काम। अच्छा दीदी इसका उत्तर कैसे देगी? अरे ये सब्जियाँ सलाद के लिए हैं, तुम्हारे खाने के लिए नहीं। खैर यह अलग मामला है। बहन चाकू से सब्जियों से सलाद काटती है। अब क्या? सलाद के पत्ते, शिमला मिर्च। ओ वाह बहन ने कितना प्यारा सलाद बनाया है। मुझे लगता है कि रोजी को यह सलाद जरूर पसंद आएगा। लेकिन हमें अभी शेफ की डिश देखनी है। हाँ ऐसा लगता है कि शेफ मजाक के मूड में नहीं है। वह व्हाइट सॉस लेती है और यह रहा, इसे प्लेट में सावधानी से फैलाती है। ब्रेड के टुकड़े, ब्लेंडर। क्या सच में? कितना अलग सा है यह। शेफ तैयार ब्रेड के टुकड़ों को एक प्लेट में डालती है और अब सब्जियों की स्लाइस काटती है। कितना सुंदर है, सबको सब सब्जियों को अच्छे से काट लिया। ओ वाह जरा इस सर्विंग को देखिए, शेफ एक सच्चे प्रोफेशनल है। खैर ऐसा लग रहा है कि व्यंजन तैयार है और ये चखने का समय है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाह कितना अलग सा सलाद है। ओह क्या ये एक डायनासोर है? चलो इसे खाकर देखती हूँ। ओह वाह ये चॉकलेट है, ये स्वादिष्ट है। और यह क्या है? छी मुझे बीन से नफरत है, एकदम बेकार। तो अब चलो तुम्हें ट्राई करते हैं। क्या मस्त आंखें हैं, अब देखते कि उनका स्वाद कैसा है। हाँ यह स्वादिष्ट है। अंत में तीसरा सलाद, मुझे आशा है कि मुझे यह पसंद आएगा। यह एकदम बेकार है, खराब। मुझे यह पसंद नहीं आया। नो। और यह वाला भी नहीं। और यह रहा हमारा विनर। क्या मैं बेशक मैं दुनिया की सबसे अच्छी कुक हूँ। मैं एक छोटी सी पार्टी के साथ अपनी जीत का जश्न मनाने का प्रस्ताव रखती हूँ। प्रोफेसर अब नए प्रयोगों का समय नहीं है, आगे एक नया टास्क है। और हमारे हीरोस का क्या इंतजार कर रहा है? वाह यह मिल्क शेक है। क्या आपको मिल्क शेक पसंद है? आपका फेवरेट ड्रिंक कौन सा है? कमेंट्स में अपनी पसंद बताएं और शायद अगली बार हम आपका फेवरेट ड्रिंक तैयार करेंगे। प्रोफेसर फिर से खाना बनाना शुरू करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। उनके हाथ में क्या है? सोडा। ऐसा लगता है कि हम फिर से प्रोफेसर से केमिस्ट्री के लेसन का इंतजार कर रहे हैं। वह अलग अलग तरह के लिक्विड को मिलाने में कितने अच्छे हैं। अब वह सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिला रहे हैं। इन बबल्स को देखो, ऐसा लगता है कि ड्रिंक तैयार है। वाह बेशक यह बिल्कुल मिल्क शेक जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन वह प्रोफेसर है। वह हमेशा स्थिति से बाहर निकलने का दिलचस्प और असाधारण रास्ता खोजते हैं। ऐसा लगता है कि बहन ने सोडा से अपनी प्यास बुझाने का फैसला किया है। हाँ कभी कभी सोडा का कैन खोलना आसान काम नहीं है। ओह नहीं यह कोई अच्छा आइडिया नहीं था। अब यह सब सोडा तुम पर। हाँ मैं इसी की बात कर रही थी। ओह कितने अफसोस की बात है, लेकिन बहन के पास अभी भी कुछ सोडा बचा है, हालांकि ज्यादा नहीं। अब आगे क्या?
वाह, जरा देखो यहाँ कितने लॉलीपॉप हैं। अब बहन व्हिप्ड क्रीम निकालती है, बस ऐसे। हरिबो बेयर, वाह शानदार आइडिया प्रोफेसर, बहुत अच्छा। लेकिन इस तरह की आसान ड्रिंक से शेफ को सरप्राइज करना मुश्किल है। अब शेफ प्रोफेसर और बहन को दिखाएगी कि असली कुक का ड्रिंक क्या होता है। वाह, ऐसा लगता है कि हमें एक फ्रिज की जरूरत होगी। अब हम इंतजार करेंगे। बहन ने अपना ड्रिंक लगभग पूरा कर लिया है, यह बहुत अच्छा निकला। लेकिन शेफ अभी भी उससे प्रभावित नहीं है। शेफ अपना ड्रिंक फ्रिज से बाहर निकालती है। हाँ, देखते हैं। हाँ, यह बर्फ की एक साधारण गेंद की तरह दिख रहा है। तो अब क्या? वाह, यह कितना सुंदर और असामान्य है। अब शेफ को एक कोला चाहिए, बस थोड़ा सा कोला। शेफ कोला को सिरिंज में खींचता है। बढ़िया है, वाह, और यह तैयार है। इस ड्रिंक की रेसिपी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यह निश्चित रूप से इसके लायक है। हालांकि यह फैसला रोजी को करना है। वाह, जरा देखो तो बहन ने कितना बड़ा मिल्कशेक तैयार किया है, कितना अच्छा है। अरे नहीं, बहन का कॉकटेल फर्श पर गिर गया। अब वो क्या करेगी? रोजी को केवल दो कॉकटेल के बीच चुनाव करना होगा। वाह, कितना अच्छा धुआं है, क्या हम इसे पी सकते हैं? हाँ हाँ, ये स्वादिष्ट है, मुझे पसंद है। अब तुम्हारी बारी है। ओह, ये भयंकर है। हाँ, यहाँ यह हमारा विनर है। हाँ हाँ, आखिरकार एक योग्य जीत। हमारे हीरोज ने पिछले टास्क का अच्छी तरह से मुकाबला किया है, लेकिन वे निश्चित रूप से इसके लिए तैयार नहीं है कि आगे क्या होगा। हाँ, तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा नहीं दे रही हैं। यह जिंजर ब्रेड मैन है। ऐसी डिश बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन हमारे प्रतियोगी बहुत प्रतिभाशाली और साहसी हैं। वे निश्चित रूप से सफल होंगे, लेकिन सबसे अच्छा कौन करेगा, हम अभी पता लगाएंगे। हमारी शेफ खाना बनाना शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। ओह, कितना स्वादिष्ट शहद है। शेफ शहद डालती है और डालती है इस तरह से। और हमारे पास यहाँ क्या है? दालचीनी, आटा। बढ़िया, हम यह सब शहद में मिलाते हैं और हिलाते हैं। हाँ, इसे देखकर तो किसी की भी लार टपक पड़ेगी। अब बटर की बारी है और इसे फिर से मिलाना है। हाँ, शेफ जैसे अपने आर्ट के ऐसे मास्टर के साथ कंपटीशन करना बहुत कठिन है। बहन को अधिक सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसे चोट लग सकती है। बहन आटा मिलाती है। क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? हाँ, यह कुछ ज्यादा ही है। किसी में स्पष्ट रूप से एकाग्रता की कमी है। इस बीच शेफ अपना आटा गूंदना शुरू कर देती है। कितना स्वादिष्ट है। शेफ ने आटा तैयार कर लिया है। इस खूबसूरत रंग को देखो। अब इसे अच्छे से बेल लेते हैं। फिर शेफ को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बस आटा तैयार है। सांचों का उपयोग करने का समय आ गया है। शेफ ने कितना प्यारा जिंजर ब्रेडमैन तैयार किया है। लेकिन शेफ सिर्फ एक जिंजर ब्रेडमैन के साथ खुश नहीं होगी। ऐसा लगता है कि वह उसके लिए पूरा जिंजर ब्रेड हाउस बनाने जा रही है। शेफ ये सब अवन में डाल देती है। प्रोफेसर क्या कर रहे हैं? आउच, आपके प्रयोग कभी कभी बहुत खतरनाक होते हैं प्रोफेसर। हाँ, आप साइंस के लिए क्या नहीं करेंगे, और एक स्वादिष्ट खाना के लिए भी। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि वह कंपास का उपयोग करने जा रहे हैं। यह दिलचस्प है, आगे क्या होगा? रूलर। बढ़िया काम प्रोफेसर, अब आपको फिगर को सावधानी से लेने की जरूरत है। प्रोफेसर इसके लिए स्पैचुला का उपयोग करते हैं। बस इतना ही, बहुत अच्छा। प्रोफेसर का फिगर ओवन में जाता है। शेफ और प्रोफेसर को बस तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक उनकी निर्माण सामग्री तैयार नहीं हो जाती। वाह, यह और क्या है? दीदी, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें इस आटे को इतनी ताकत से काटना है? खैर, जो भी हो, उसके पास डो के कुछ बहुत अच्छे टुकड़े हैं। अच्छा काम बहन, अब हमें रंगों की जरूरत है। वाह, कितने सुंदर रंग है। ओह, ऐसा लगता है कि आखिरी वाले में कोई समस्या है। अब उसे क्या करना चाहिए? वहाँ जरूर कुछ होना चाहिए। हाँ, अब उसने निश्चित रूप से सब कुछ निचोड़ लिया है।
अरे ऐसा लग रहा है कि बहन को चेहरे पर लगे सारे रंग की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। प्रोफेसर ओह ठीक लग रहा है। अच्छा तो हम वहाँ कहाँ रुक गए थे? अरे हाँ, रंगीन डो। यह अच्छा है कि बहन के हाथ में एक और ट्यूब थी। अब हमें इस डो को अच्छी तरह से गूंदने और इस तरह के सॉसेस बनाने की जरूरत है। अब हम इन सॉसेस को एक बड़े आकार में तैयार करते हैं। इस तरह से हमें एक सुंदर मल्टी कलर्ड घोंगे को तैयार करना चाहिए। बहन ऊपर से कुछ मीठे स्प्रिंकल्स डालती है। अब इसे ओवन में डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया। ओ वाह, शेफ की जिंजर ब्रेड तैयार है। वाह क्या सुगंध है। अब इस पर क्रीम डाल सकते हैं। शेफ धीरे से जिंजर ब्रेड के किनारों के चारों ओर क्रीम लगाती है। इस आलिशान घर को देखो, थोड़ी और क्रीम। वाह, ऐसे घर को खाना थोड़ा अफसोसजनक भी है। हालांकि ओह, अब शेफ घर को कैंडी से सजाती है और यहाँ जिंजर ब्रेड मैन खुद है। मुझे लगता है कि वह इतने आलिशान घर में रहकर खुश होगा। अब शेफ अपने मास्टरपीस पर पाउडर चीनी डाल रही है। यह पाउडर बिल्कुल बर्फ जैसा दिख रहा है। कितना सुंदर है। प्रोफेसर आप क्या सोच रहे हैं? खाने लायक ग्लू? बहुत अच्छा। ऐसा लगता है कि प्रोफेसर ने जिंजर ब्रेड हाउस नहीं बल्कि जिंजर ब्रेड रॉकेट बनाने का फैसला किया है। बहुत बढ़िया। तो डिश तैयार है या चखने का समय है? वाह, यह जिंजर ब्रेड हाउस या किसी फेरी टेल की तरह है। ओह, मैं इसे ट्राई करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। हाँ यह बहुत स्वादिष्ट है। और हमारे पास यहाँ क्या है? अरे यह जिंजर ब्रेड मैन है। चलो घूमने चलते हैं। लला 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 लला। वाह रॉकेट, अब इसे खाती हूँ। ऐसा लगता है कि ऐसा रॉकेट निश्चित रूप से उड़ान नहीं भरेगा। और यह क्या है? हाँ कितना प्यारा जिंजर ब्रेड मैन है। वाह बुरा नहीं है। अब जिंजर ब्रेड मैन विजेता का चुनाव करेगा। यह वाला नहीं, रॉकेट यह भी नहीं। हाँ जिंजर ब्रेड हाउस, हाँ मुझे वो पसंद है। तुमसे पूरी तरह से सहमत, यह जीता। ओह और शुरुआत करते हैं इस स्मूदी से। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं यह कर सकती हूँ? बिल्कुल मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए न केवल स्वादिष्ट बल्कि एक बहुत ही हेल्दी कॉकटेल तैयार करूँगी। लड़कियों क्या तुम मेरी मदद करोगी? पहले मुझे पालक की जरूरत होगी। धन्यवाद जी। फिर एक ब्लेंडर का इस्तेमाल किया जाएगा। एनी तुम यहाँ मेरी मदद कर सकती हो। पालक को ब्लेंडर में लोड करना होगा, पर इसे कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। यह आसान है। ओ धन्यवाद जिल, पालक को ब्लेंडर में भर दिया। एनी मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है, प्लीज इसे पीस दो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पालक का एक भी टुकड़ा ना बचे। वाह हो गया, लीजिए। वाह पहला भाग तैयार है। बेशक यह इतना ही नहीं है, कॉकटेल को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें कुछ और चाहिए, जैसे कि nice. यह है दही। ये हाँ यह अच्छा है। अजिल यह तुम्हारे लिए है। मैं उन्हें कैसे खोलूं? आउच बिखर गया। ओह कितनी अनारी हो। खैर दही ग्लास में जाएगा। और अगली बारी तरबूज की है, इसे सभी पसंद करते हैं। लेकिन मुझे केवल एक टुकड़ा चाहिए। जिल बाकी तुम्हारे लिए है। एक टुकड़ा तरबूज को छोटे टुकड़ों में काटने की जरूरत है। ओह जिल तुम्हें भी तरबूज पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि विकी भी खुश होगी। तरबूज के टुकड़ों को अच्छी तरह से पीसने के लिए ब्लेंडर में डालना होगा। इसे तरबूज के जूस में बदल दे। एनी की वजह से अब मुझे पता है कि यह कैसे करना है। तरबूज का जूस गया कप में और यह स्ट्रॉ और मेरा तैयार हो गया। मुझे इन सभी फलों की जरूरत नहीं है, इनसे बहुत साधारण कॉकटेल बनते हैं। यह भी नहीं। ओह माफ करना, मैं आपको मारना नहीं चाह रही थी। मैं सिर्फ फल से छुटकारा चाहती थी। ओह हाँ, मेरे कॉकटेल का आधार सोडा होगा। इस सभी को पसंद आता है। इन सोडा को विशेष कप में डालना होगा ताकि वे ठंडा हो जाए और थोड़ा गाढ़ा हो जाए।
और उसके बाद उन्हें मिलाने के लिए सोडा को एक बड़े ग्लास में डाला जा सकता है। हम पूरी चीज को छतरी से सजा सकते हैं। यह किसी भी बीच से कम खूबसूरत नहीं है। अब देखो और सीखो कि असली कॉकटेल कैसे बनाते हैं। हम स्ट्रॉबेरी लेते हैं, उन्हें ब्लेंडर में डंप करते हैं और क्रीम डालते हैं और इस मिक्सर को अच्छी तरह से कुचलने की जरूरत है। अब आगे चलो इस फाउंटेन को ले, वहाँ हम तैयार मिक्सर को डालते हैं। यह स्वादिष्ट और शानदार दोनों निकला। विकी, यह तय करने का समय है कि आज कौन जीत रहा है। ओ, कितना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैं जिल के कॉकटेल के साथ चखना शुरू करूंगी। गमी स्वादिष्ट होते हैं। कॉकटेल भी बहुत अच्छा है, मुझे ये पसंद है। मेरे लिए आगे क्या है? दादी का कॉकटेल, उस पर एक तरबूज है। वाओ, मुझे तरबूज बहुत पसंद है। खैर चलो कॉकटेल को ट्राई करते हैं। यह बेकार है, ये बिल्कुल मीठा नहीं है। नहीं, ये अच्छा नहीं है। दादी सॉरी। आशा है कि एनी मुझे खुश करेगी। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। ये शानदार है। हुर्रे, आखिर मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। दूसरे दौर में आप मेरे लिए वफल तैयार करें। मुझे नाश्ता करना है। दादी अपना ध्यान मत हटाओ, यह वफल बनाने का समय है। वफल? यह मेरे बाएं हाथ का काम है, खासकर मेरी पोती के लिए। आटे को एक गहरी बॉल में डालना है और इसमें अंडे और दूध को मिलाना है। अब इन सब को अच्छे से मिलाना है, लेकिन चीनी को नहीं भूलना है। और वफल के लिए डो बनाने के लिए इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना होगा। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। फिर मैं इसे एक विशेष मोल्ड में या बल्कि एक वफल मेकर में डाल देती हूँ और जब तक वे तैयार नहीं होते इंतजार करती हूँ। ओह, सब कितना मुश्किल है, यहाँ तक कि डो को मिलाना भी मुश्किल है। जब इतना सही ब्लेंडर पास में है तो इस विश की जरूरत क्यों है? हम सब इससे मिक्स कर सकते हैं और फिर कुछ और न्यूटेला डालेंगे। तो मिक्सर तैयार है, अब मुझे भी इसे वफल मेकर में डालना होगा। केवल मेरा थोड़ा बड़ा है, इसलिए वफल अधिक सुंदर होगा। ऐसा क्यों? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे किस आकार के हैं? मायने यह रखता है कि इसका स्वाद कैसा है। मेरे वफल तैयार है, बस उन्हें प्लेट में रखना है और थोड़ा सा बटर और मैपल सिरप डालना है। इस तरह से इसका स्वाद और अच्छा होगा। एनी, तुम क्या करोगी? और मैं कुछ और मुश्किल काम करूंगी। हमें एक ब्लेंडर में सेलरी और अंडे डालना होगा। आगे मुझे आटा चाहिए। यह ध्यान रखना है कि इसे ज्यादा नहीं डालना है, हम थोड़ा डालेंगे और उसके बाद चिकनी होने तक सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब हम वफल बनाना शुरू कर सकते हैं। पूरे मिक्सचर को एक वफल मेकर में डाल दिया गया है और इंतजार करना है। हमें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तड़ाम, सब कुछ तैयार है। वफल को टुकड़ों में काट कर ऊपर बेरी से सजाएं और यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। देखो मैंने क्या मस्त आइडिया लगाया है। मैं चाहती हूँ कि न केवल सुंदर हो बल्कि ओरिजिनल भी हो। बीकी को जरूर पसंद आएगा। अब मुझे लगता है मेरे वफल भी तैयार है। वाओ, मैं स्ट्रीट फूड की शैली में एक वफल बनाना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे वफल को एक कोन में डालना होगा और ऊपर से आइसक्रीम। दादी जरा पकड़िए। ओह, मैं तो इसे चख भी नहीं पाई थी। थोड़ी सी आइसक्रीम और व्हिप्ड क्रीम कोई बुरा नहीं होगा। और यह तब और भी सुंदर होगा अगर मैं पूरी चीज को रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊं। ओह, इतना ही नहीं, कुछ लॉलीपॉप भी यहाँ बहुत अच्छे लगेंगे। इन सब पर स्ट्रॉबेरी सिरप सबसे अच्छा रहेगा। विकी, अब इसे खाकर बताओ। वाओ, कितना दिलचस्प है, सब बहुत सुंदर है। चलो इसे देखो। मुझे लॉलीपॉप का आइडिया पसंद आया। और सबसे अच्छी चीज वफल है, कमाल का और बहुत ही अलग सा। अब मैं दादी के क्लासिक वफल को ट्राई करूंगी। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। शेफ एनी का एक मास्टरपीस दिख रहा है। यह वास्तव में प्रभावशाली है। मछली बहुत स्वादिष्ट है। वाओ, अब मैं महत्वपूर्ण चीज वफल को ट्राई करूंगी।
नहीं छी, ये सैलरी के साथ वफल है। तो इस बार जीत रही है जिल, उसका वफल सबसे स्वादिष्ट है। ओ धन्यवाद। अब मुझे बर्गर चाहिए। क्या आप मुझे सरप्राइज कर सकते हैं? आसान। क्यों नहीं, बर्गर मैंने उन्हें पहले कभी नहीं बनाया है। खैर सब कुछ पहली बार करना होता है, चलो इसे कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मुझे कटलेट को फ्राई करना होगा, वह किसी भी बर्गर का जरूरी चीज होता है। अब आगे एक बन और एक फिलिंग का उपयोग किया जाएगा, सॉस, खीरे, चीज, वह सब कुछ जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। जिल इसे मत छुओ, यह विकी के लिए है। और मुझे लगता है कि मैं खुद कटलेट बनाऊंगी। सबसे पहले मीट ग्राइंडर में मीट को पीसना होगा और तब इसे फ्राइंग पैन में रखना होगा। कटलेट तैयार है और अब मेरे कलेक्शन का सबसे बढ़िया चीज निकालने का समय है, एक सुनहरा बन। देखो मैंने इसे कैसे छिपा कर रखा था, चश्मे के बिना देखना भी मुश्किल है। उसके साथ मेरा बर्गर अधिक कीमती हो जाएगा। और चीज का क्या, नहीं ये बहुत सस्ता है। मैं मोल्ड के साथ एक महंगा चीज लेना चाहती हूँ और इसे फ्राई करना चाहती हूँ। हाँ, और फिर इसे बर्गर के ऊपर डालना है, यह असली लग्जरी है। बहुत बढ़िया, अब मेरी बारी है। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डालें, हालांकि कंजूसी क्यों, ज्यादा डालना सही रहेगा। ओ रुको, ये बहुत ज्यादा तेल है, ये छलक जाएगा। क्या यह ठीक है, मैं सिर्फ एक प्रोटेक्टिव सूट पहन लेती हूँ, पीला जंप सूट और गैस मास्क के बजाय एक ढक्कन। अब मुझे कोई खतरा नहीं है। अरे रुको, तुम यहाँ अकेली नहीं हो, तुम्हारी वजह से हम सब पर तेल आ गए हैं। ओह अब मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मुझे एक मीठा बर्गर बनाना होगा। मुझे उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रीट्स लेने होंगे। सबसे पहले मैं लिक्विड मार्शमेलो को एक गहरी डिश में डालूंगी और फिर उसमें कुछ डाई मिलाऊंगी। यह इस तरह से बहुत अच्छा होगा। इस मिक्सचर में मैं एक बन डुबोंगी ऐसे और फिर दूसरा। इस सब के बाद मैं अंदर अलग अलग तरह की कैंडीज डालूंगी। जितना ज्यादा यह होगा मेरा बर्गर उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तो विकी तुम तैयार हो? हमेशा तैयार। आइए शेफ एनी के इस महंगे बर्गर से शुरू करें। पता नहीं इसका स्वाद कैसा है। मुझे गोल्डन बन की जरूरत नहीं है, पर यह टमाटर अच्छे है। Nice. रुको, पर बर्गर से इतनी बदबू क्यों आ रही है? मुझे इस तरह की चीज से नफरत है, यह घिनौना है। यह मीठा बर्गर अच्छा है, लेकिन मैं पहले से मीठे से थक गई हूँ। मैं कुछ और अच्छा खाना चाहती हूँ। दादी सारी आशा आप पर है। वाह इसकी बात ही अलग है, आपका बर्गर क्लासिक है, वह हमेशा सबसे स्वादिष्ट होता है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो बेबी ब्रिटनी से पूछे कि उसे इस समय खाने के लिए क्या चाहिए। बेबी ब्रिटनी बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बर्गर चाहिए, क्या आप इसे मेरे लिए करेंगे? हाँ इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। और तुम मेरी नकल करना चाहते हो बेवकूफ ज़ॉम्बी? डर गए, यह बन अच्छा नहीं है, लेकिन लाल बेहतर है। नहीं काला बन ज्यादा कूल दिखता है। तुम कुछ नहीं समझते, छिलका मुझे नहीं चाहिए। ज़ॉम्बी क्या तुम थोड़ा सावधान रह सकते हो? मैंने कुछ नहीं किया और यहाँ मेरा बन है। ओ लहसुन, वैम्पायर क्या तुम्हें यह चाहिए? इसे मुझसे दूर करो। ठीक है ठीक है, फिर मेरा बन कहाँ है? वाह मुझे यही चाहिए, बिल्कुल सही, सड़ा हुआ गंध और बढ़िया हरा रंग। अरे वेंसडे देखो मेरे पास कितना सुंदर बन है। वैम्पायर क्या तुम्हें ये पसंद है? तुम कुछ भी नहीं समझते हो, मुझे सब्जियाँ चाहिए, चलो अब उन्हें काट ले। ओह मेरे हाथ मेरी बात नहीं मानते, आखिर मैं लंबे समय से जमीन के नीचे पड़ी हुई थी। ओह तैयार, ओह माफ करना वैम्पायर। ओह वेंसडे के पास भी, तुम भी मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। और यह सब एक बन पर होना चाहिए।
यह मेरे कुकिंग का समय है। मुझे बस इस सलाद की जरूरत है। बिल्कुल सही, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। सही सलाद। तो यहाँ कुछ टमाटर और ताजे सूखे मीट के कटलेट को नहीं भूलना है। बस इसे अपने हाथों से सही आकार देने की जरूरत है। बेबी ब्रिटनी के बाइट से खुद को बचाने के लिए मेरे बर्गर को तेज नुकीले दांत की जरूरत होगी। बढ़िया। और यहाँ क्या है? ओ, मेरे पुराने दोस्त चार्ल्स, तुम्हारी आंखें यहाँ अच्छी नहीं लग रही हैं। धन्यवाद मेरे दोस्त, ये आंखें मेरे बर्गर में बहुत अच्छी लगेंगी। और अब चलो कुछ तेज पर चलते हैं। और मैं स्वाद की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि सींगों की बात कर रही हूँ। देखो कितना अच्छा है। वाह, यह वास्तव में अच्छा है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी वास्तव में क्या अच्छा है। मेरा बोर्ड कहाँ है? बस यह, मैं इस पर कटलेट डालूंगी और इसे 1000 वोल्ट पर चार्ज करूंगी। अपना चश्मा लगाना नहीं भूलना है। बढ़िया, अब इसे चालू कर सकते हैं। कटलेट को तेजी से पकाने के लिए बिल्कुल सही हीटिंग। ओह, बहुत ज्यादा। तैयार, मैंने बर्गर में सब कुछ डाल दिया। मेरा हो गया। क्या तुम्हें ऐसा लगता है वैंसे? ओह, यह अच्छा है। ओह नहीं, बहुत ज्यादा। तुम्हें अब मुझे चार्ज करने की जरूरत नहीं है, मैं लोडेड हूँ बस। ओह, जबकि कोई देख नहीं रहा है, मैं अपनी नाक में उंगली डाल सकती हूँ। यह घिनौना है, हटो यहाँ से बुगर। ओह माँ, ऐसा लगता है मेरा हाथ इस बर्गर के साथ अच्छे से जाता है। क्या मैं इसे ऐसे ही छोड़ सकती हूँ? यह प्यारा लग रहा है, लेकिन मेरे पास एक सीक्रेट सामान भी है। और किसी के पास निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं होगी। यह स्लाइम, यह इतना स्वादिष्ट है कि इसे बर्गर में रखना भी अफसोस की बात है। लेकिन वास्तव में मैं चाहती हूँ, मैं अच्छे पुराने केचप का उपयोग करूँगी। यह तुम्हारे बेकार के स्लाइम की तुलना में ज्यादा स्वादिष्ट है। इसे बंद कर देती हूँ। अरे हाँ, मैं चिप्स खा रही हूँ। तो क्या, असल में मुझे सजावट के लिए इसकी जरूरत होगी, है ना? यहाँ आंखें हैं और मेरे पास एक शानदार स्पाइडर बर्गर है। बेबी ब्रिटनी, तुम्हारा इंतजार कर रही है, अपनी डिश दिखाओ। ओह, क्या यह हाथ है? ओ माँ, ज़ॉम्बी ने मुझे बर्गर में हाथ दिया है, कितना घिनौना। तो क्या, मैं खुद को डालूंगी, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है? आगे क्या है? वाह, कितना प्यारा बर्गर है, हमें इसे जल्दी चखना चाहिए। इसका स्वाद इतना अजीब क्यों है? क्या यह कोई कच्चा कटलेट है? छी, घिनौना। क्या इसे पकाया नहीं जा सकता था? डरावना। वेंसडे ने मेरे साथ क्या किया? शायद कुछ स्वादिष्ट हो। चलो यह ट्राई करते हैं। यह प्यारा लग रहा है। चिप्स स्वादिष्ट है और बर्गर, वाह, कितना स्वादिष्ट। और विनर है वेंसडे। हाँ, मुझे पता था कि जीत मेरी होगी। तुम लोग हार गए। ये क्या, मेरा हेयर स्टाइल खराब हो गया, मुझे जल्दी ठीक करना होगा। क्या तुम लोग भी मुझ पर हंस रहे हो? और इस दौर में मुझे एक केक चाहिए, प्लीज एक स्वादिष्ट केक बनाओ। क्या? ओह, मैं हार गई। यह किया जाएगा। ताजा खून, इससे आसान कुछ नहीं होगा। आसान? ओह, मेरा सिर कहीं चला गया। वेंसडे, तुमने अब क्या सोचा है? एक शानदार रेसिपी। मुझे अपने केक के लिए कुछ अंडे चाहिए। थिंग, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया तुम मेरे खिलौने से नहीं खेल सकते। अच्छा होगा कुछ उपयोगी काम करो। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए केस है। हाँ, यहाँ एक ट्रैम्पोलिन है, लो कूदो। ओह, यह कितना प्यारा है। अच्छा है ना? बस यह बेकार है, खाना बनाने पर ध्यान दो। थोड़ा आटा डालना होगा और उसके बाद। थिंग, तुम्हारी वजह से सारा आटा बिखर गया है। क्या तुम थोड़ी सावधानी से कूद सकते हो? यहाँ से निकल जाओ। यह क्या है? क्या तुमने मुझे मारा? मैं तुम्हें खाऊंगी, भाग जाओ। वेंसडे, और वह क्या था? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहाँ थी? ओ हाँ, हम दूध डालते हैं। मुझे ढक्कन की जरूरत नहीं है। और अब मुझे अपने डो को रंगने के लिए काले गुलाब की पंखुरी की जरूरत होगी। सब कुछ मिलाएं और इसे एक सांचे में डालें। अब केवल इसे पकाना बचा है, इसलिए हम इसे अवन में भेजते हैं। और अब हमें इंतजार करना है। अब मैं तुम्हें एक अद्भुत केक दिखाने जा रही हूँ। मेरे पास वैम्पायर रेसिपी की किताब है, जो मुझे अपनी प्यारी माँ से मिली है। अब मैं एक अच्छी रेसिपी खोजूंगी। और यहाँ केक है। यह बहुत आसान लगता है। अब हम सब कुछ करेंगे। एक कटोरे में अंडे तोड़ें और थोड़ा आटा, दूध और लाल डाई जोड़ें। इसे मिलाएंगे। हमें इसे बहुत जल्दी करना होगा।
क्योंकि अभी भी बहुत सी चीजें आगे हैं। विस्ट मदद की, बढ़िया। वाह, अब डो को सांचे में डालें और बेक करने के लिए भेजे। वाह, ये एक वैम्पायर बुक है, यहाँ कुछ उपयोगी है क्या? पर यहाँ सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे शायद चार्ली को अपना दिमाग खाने नहीं देना चाहिए था। खैर, मैं कुछ उपाय निकाल लूंगी। मेरे पास तैयार केक है, मैं इन्हें टुकड़ों में मैश कर दूंगी, थोड़ा नमक और चीनी मिलाऊंगी और अब मेरा सबसे फेवरेट चीज। यह अब सबको मिला दिया। ज़ॉम्बी या वैम्पायर क्या कर रही है? तुम क्या कहना चाह रही हो? ओ माँ, देखो मैं नहीं जानती कि वह ऐसा भी कर सकती है। रस्सी, क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे बांध दूं? खुशी के साथ। तुमने क्या किया है? मुझे खोलो तुम बेवकूफ। आउच, यह किसने किया? मुझे किसका खून पीना चाहिए? मैं सोना चाह रही थी। मुझे मत छुओ। ओह, मैं सुबह के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, केक के साथ क्या हो रहा है? ओह, केक तैयार है, बढ़िया। हम केक पर क्रीम फैलाते हैं और अब सबसे स्वादिष्ट चीज खून है। क्या तुम मुझे दोगी? मैं पैसे दूंगी। नहीं नहीं, सारे नहीं, केवल $1। मैं इसे ले लेती हूँ, मुझे उम्मीद है वो स्वादिष्ट होगा। ठीक है, केक पर वापस। मुझे लगता है कि स्ट्रॉबेरी के स्वाद वाला खून मेरे केक के लिए सही रहेगा और बेबी को भी ये पसंद आएगा। हम एक छेद बनाते हैं, बहुत स्वादिष्ट, और केक पर सब कुछ डालना है। ओह, ये खूनी स्मूदी बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल सही। पंख और चेहरा डाले, मेरा भव्य बैड केक तैयार है। यह घिनौना है। अब मैं तुम्हें एक भयानक केक दिखाने जा रही हूँ। मैंने अभी तक सभी केक तैयार कर लिए हैं। काले केक, ये वास्तव में स्वादिष्ट है। अब इस पर क्रीम लगाते हैं और केक को तैयार करते हैं। अब हम एक स्पैचुला के साथ सब कुछ समतल करते हैं। मुझे अपने पर्स से कुछ हड्डियों की जरूरत होगी। हाँ, वाह, क्या अद्भुत गंध है। चलो अब इसे अच्छे से यहाँ लगा देते हैं। दूसरा केक मकड़ियों के साथ होगा और तीसरा बिस्तर के नीचे एक मॉन्स्टर के रूप में होगा। अद्भुत केक तैयार है। अरे, हड्डी कहाँ गया यहाँ से? इसे किसने चुराया? ज़ॉम्बी, मैं तुम्हें यह खाने नहीं दे सकती। हड्डियाँ केवल मेरे केक पर रहेंगी। यह घिनौना है। और मैं बेबी के केक पर ऐसी हड्डी कैसे डालूंगी? खैर ठीक है, वह अकेली है, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। केक तैयार है, जिसका मतलब है हम चखने जा रहे हैं। ज़ॉम्बी, क्या तुमने अपना केक बना लिया? नहीं नहीं, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, अभी 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 करती हूँ। हमने सब कुछ एक प्लेट पर रखा। यह वह चीज है जिसे हम मस्तिष्क ड्रॉ करते हैं। थोड़ा इधर और अब इसे परोस सकते हैं। ऊपर से यह सॉस। वाव, तैयार। इसे ट्राई करो ब्रिटनी। हुर्रे, केक तैयार है। यह क्या है? घिनौना। ओह नहीं, मैं इसे खाना नहीं चाहती, लेकिन मुझे इसे चखना ही होगा। मुझे उम्मीद है कि मैं इसके बाद ज़ॉम्बी नहीं बनूंगी। एक टुकड़ा। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती। चलो, यह केक इतनी गिलगिली क्यों है? घिनौना, मैं इसे नहीं खा सकती, ये बहुत बुरा है। लेकिन मुझे यह केक पसंद आ रहा है, आशा है कि यह स्वादिष्ट होगा। वाह, कितना स्वादिष्ट। पक्का यह जीत रहा है। वाओ, हुर्रे। ओह नहीं, सूरज मुझे बचाओ। बेबी ब्रिटनी इस बार क्या खाएगी? मुझे एक मिल्क शेक चाहिए। हाँ, यह आसान है, हमें इसके बारे में सोचना होगा और मैं नहीं जानती कि कैसे सोचना है। मैं शुरू करूंगी। ओह, मुझे महसूस नहीं हो रहा, लेकिन दर्द हो रहा होगा। तुम्हें मेरे दूध को छूने की जरूरत नहीं है। मेरे स्वादिष्ट मिल्क शेक के लिए एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी। दूध को ब्लेंडर में डालें, फिर चॉकलेट आइसक्रीम और रंग के लिए एक्टिवेटेड चारकोल टैबलेट्स को डालेंगे। उन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। What? और एक बाउल में रखेंगे। तैयार, यह अच्छे से तैयार हो गया। ओहो, चलो दूर हटो, अभी मैं इसे सजाऊंगी। मैंने ड्रिंक का एक ग्लास तैयार कर लिया है, व्हिप क्रीम के साथ इसे सजाना है।
इसमें एक स्ट्रॉ डालती हूँ। एक लिकोरिस रिबन भी बुरा नहीं लगेगा। यह पूरी तरह से मेरे कॉकटेल के लिए सही रहेगा। स्वाद को बढ़ाने के लिए थोड़ा स्ट्रॉबेरी सिरप। तैयार, मेरी और मेरे शानदार ड्रिंक के लिए हुर्रे। मेरा कॉकटेल निश्चित रूप से बेहतर होगा। चलो चॉकलेट सिरप जोड़े और इसमें मेरा फेवरेट ग्लास डुबोएंगे। देखो यह सिरप ऐसे टपक रही है मानो मेरे होठों के किनारे से खून टपक रहा हो। और अब चलो कॉकटेल बनाते हैं। हम ब्लेंडर में तरबूज और लाल मिर्च को डालते हैं। टमाटर डालना भी कोई बुरा नहीं होगा। बढ़िया, अब हम सब कुछ मिलाते हैं। हमारे स्वादिष्ट ग्लास में इसे डालेंगे और व्हिप्ड क्रीम्स के साथ इसे सजाएंगे। काले रंग के स्प्रिंकल्स कभी भी बुरा नहीं लगेगा। और यह जेली बैट बहुत ही प्यारा है। हम इसे ग्लास में रखते हैं और एक स्ट्रॉ डालते हैं। बढ़िया वैम्पायर कॉकटेल तैयार है। तो तुम्हारा क्या कहना है? ज़ॉम्बी, तुम फिर से ऐसे ही बैठी हो। हाँ, और यह चीज कैसे खुलती है? हाँ ठीक है, मैं उसके बिना ही करूँगी। मुझे बस एक ग्लास और एक स्प्राइट चाहिए। हम ढक्कन से छुटकारा पाते हैं और स्प्राइट डालते हैं। बस गिरना नहीं। और अब हरी आइसक्रीम की एक बॉल यहाँ, थोड़ा स्ट्रॉबेरी सिरप यहाँ ऊपर। गमी ब्रेन बहुत स्वादिष्ट होते हैं। बढ़िया, लेकिन असली ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। और यहाँ स्ट्रॉ है, हम इसमें ब्रेन लगाते हैं और इसे ग्लास में डालते हैं और थोड़े से गमी बम्स। हो गया, देखो बढ़िया। तो चलो बेबी ब्रिटनी के पास चले। वाओ, सभी कॉकटेल बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं इसे चखना चाहती हूँ। यह स्वादिष्ट है। वाओ, और हमारे पास क्या है? काला, ये थोड़ा डरावना है। ठीक है, चलो ट्राई करती हूँ। ओह घिनौना, मेरी जीभ काली हो गई। मुझे आशा ये गिरेगी नहीं। और यहाँ मेरे लिए क्या है? कितना विशाल और भारी ग्लास। चलो इसे चक्कर देखती हूँ। यह घिनौना है, ऐसा किसने सोचा? ज़ॉम्बी कॉकटेल जीतता है। हाँ, मैं जीत गया, उसने मुझे चुना। मुझे यहाँ चश्मा दे दो। मुझे एक डोनट चाहिए, क्या आप यह बना सकते हैं? चलो देखते हैं। हाँ मैं करूँगी, मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हारे लिए डोनट बनाना पसंद करूँगी। सबसे पहले मैं इस डोनट मेकर में डो डालूंगी। ठीक है, मैं सभी सेल को भर दूंगी। बस अब मैं इसे बंद कर दूंगी और थोड़ा इंतजार करूंगी। और मैं अद्भुत रेनबो डोनट्स बनाऊंगी, क्योंकि साधारण डोनट्स बहुत बोरिंग है। मेरा सबसे गुलाबी, सबसे मजेदार और निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट होगा। मैं निश्चित रूप से इस चुनौती को जीतूंगी। ओह, तुम कितनी अच्छी प्रतियोगी हो, तुम सफल होगी। लेकिन तुम्हारा क्या? बेशक काले डोनट सबसे स्वादिष्ट है, लेकिन किसी चीज की कमी है। बेशक एक स्वादिष्ट सॉस। थिंग, इसके लिए मेरी मदद करो। चलो। ओके। कितना भयानक है, मुझे इससे डर लगता है। मुझे यहाँ एक कटोरा दो। अब मेरे पास स्ट्रॉबेरी सॉस डालने की जगह है और अब मैं इसका उपयोग करूँगी। इस तरह डोनट्स को सजाने के लिए यह अधिक सुविधाजनक होगा। यही हमें चाहिए, हमें उन्हें खुश करने की जरूरत है। ओह, यह क्या है? यह लाल लिक्विड कैसा है? यह सिर्फ स्ट्रॉबेरी सॉस है। ओह, तुमने मुझे कितना डरा दिया। यह मजेदार था। अब मैं अपने डोनट्स को सॉस और सबसे स्वादिष्ट आइसिंग से सजाऊंगी। सजावट शानदार है, वे सुंदर और स्वादिष्ट है। थोड़े डरावने से और मेरे सुंदर डोनट्स तैयार है। मैं उन्हें अच्छे से रखती हूँ और उसके ऊपर पाउडर चीनी छिड़कूंगी। ये क्लासिक बहुत स्वादिष्ट रेसिपी है। हाँ, मुझे यही चाहिए। देखो, बहुत अच्छा। देखो मेरे हाथों से बनाए गए डोनट्स को। देखो,
और जरा मेरे डोनट्स को देखो, मेरा सबसे गुलाबी बहुत अच्छा डोनट्स, बहुत खूबसूरत है। तुम एक असली कुक हो, मैं उनके ऊपर स्प्रिंकल्स डालना चाहती हूँ। ओह नहीं, ये खुल नहीं रहा है, ढक्कन कितने जोर से बंद है, खुलो। अरे नहीं, उप्स, ठीक है, मैं उन्हें इस तरह छिड़क दूंगी। हाँ, ये कॉम्बिनेशन सबसे स्वादिष्ट है। चलो खाओ डियर, कितना स्वादिष्ट। ये एक बहुत ही दिलचस्प और मजेदार डोनट है, मैं इसे ट्राई करूंगी, ये काफी स्वादिष्ट है। हाँ, बहुत सुंदर भी, मुझे यह पसंद है, यह वैसा है जो मुझे चाहिए। और ये सामान्य साधारण डोनट्स, मुझे लगता है कि मैं यह ट्राई करूंगी। हाँ, वाह, ये सबसे रंगीन इंद्रधनुषी डोनट्स है, इसकी महक भी बहुत अच्छी है। अब मैं उन्हें खाने जा रही हूँ, वो बहुत स्वादिष्ट है। सभी डोनट्स काफी अच्छे निकले, लेकिन मैं किसे चुनूं? बेशक ये।